हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन बिजी मॉम। मैं हूं मनी और स्वागत करती हूं आप सभी को आप मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं आपको लेकर चलती हूं अंबाला कैंट के बिग बाज़ार में। तो अंदर जाके आपको मैं दिखाऊंगी कि आज खास क्या हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। एंड यस, आप मुझे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंडियन बिजी मॉम के नाम से आईडीज है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। तो आज था संडे और संडे को हम लोग गए थे बिग बाज़ार में, जैसा कि मैंने आपको बताया। एंड थोड़ा बहुत हमें सामान ख़रीदना था, तो हमें लगा कि चलो आज हम चलते हैं, थोड़ी सी आउटिंग भी हो जाएगी। एंड सबसे ज़्यादा अच्छी बात मुझे इस बार बिग बाज़ार जाने में ये लगी कि आदमी कब थोड़ा सा बड़ा हो गया तो वो ट्रॉली में आराम से बैठ जाता है एंड बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करता है, तो मुझे उसे उठा कर नहीं घूमना पड़ता। ये सबसे सही बात लगी मुझे इस बार जाने में। तो आगे चलकर आप देखेंगे कि आद्विक ने बहुत ही ज़्यादा मस्ती की पूरे मॉल में, बहुत ही ज़्यादा जो वहाँ पे लोग थे उनके साथ बहुत अच्छे से इसने इंटरेक्ट किया, बहुत अच्छे से सबके साथ घुल मिल गया ये। तो देखा आप लोगों ने कि आद्विक ने कितना ही ज़्यादा इंजॉय किया, सबके साथ बहुत अच्छे से खेल रहा था। एंड मुझे ये सब देख के बहुत ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि जब आपका बच्चा दूसरों के साथ अच्छे से इंटरेक्ट करता है, अच्छे से सोशलाइज होता है, तो बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है। कई बच्चे होते हैं जो दूसरों के पास नहीं जाते या रोना शुरू कर देते हैं, पर आद्विक उनमें से नहीं है। उसे कोई भी उठा ले, वो बहुत ही अच्छे से, बहुत ही स्माइल करता हुआ उनके पास जाता है। तो कहते हैं कि ऐसे बच्चे सही रहते हैं जो ज़्यादा रोते नहीं हैं किसी के पास जाने से। तो मुझे बहुत ही पसंद आया ये सब। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे भी अभी तक इसकी मस्ती कंटिन्यू है। तो शॉपिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है और अब लग रही है भूख, तो हम जा रहे हैं कुछ खाने के लिए। तो इवनिंग की छोटी छोटी भूख को मिटाने के लिए हम लोगों ने ऑर्डर किया था पिज़्ज़ा, तो चलिए खाते हैं।
सेंटर का व्यू दिखा रही हूँ, बहुत ही अच्छा व्यू लगता है मुझे। एंड घर चलकर मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपना शॉपिंग हॉल जो कि हमने परचेज़ किया सामान। तो फ्रेंड्स जल्दी से मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ कि जो जो सामान हम लोगों ने कल ख़रीदा था बिग बाज़ार से। तो यहाँ पर आदविक देख रहा है मुझे, तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या सामान हम लोगों ने परचेज़ किया था। बहुत ज़्यादा सामान नहीं ख़रीदा क्योंकि रैंडमली हम लोग वैसे ही गए थे घूमने के लिए, थोड़ा सा तो थोड़ा सा ही सामान ख़रीदा है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या परचेज़ किया हमने। तो ये है वो सामान जो कि हमने परचेज़ किया था। ये पॉली बैग वहाँ का नहीं है। एक तो हमने ये आदविक की ड्रेस परचेज़ की थी क्योंकि विंटर्स आ रही हैं, तो उस हिसाब से हमने परचेज़ की ये वाली ड्रेस। काफ़ी पसंद आई ये ड्रेस, काफ़ी अच्छा कलर था, तो ये एक लिया। ये है पिंक एंड ब्लू की है आई थिंक, जी हाँ पिंक एंड ब्लू की ड्रेस है ये। एंड 600 रुपीज़ की ये हुडी है। उसके साथ हमने पेयर जो किया है वो है ये, तो आदविक, तो उसके साथ हम लोगों ने ये पेयर अप किया है। ये भी पिंक एंड ब्लू का ही है आई थिंक, हाँ ये भी पिंक एंड ब्लू का है। एंड इसकी जो MRP है वो है 349, डिस्काउंट बिल्कुल भी नहीं था। बच्चों के कपड़ों पे तो बिल्कुल भी डिस्काउंट नहीं था। आदविक आदु किसकी ड्रेस? चलिए उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत रैंडम सा स्टफ है। मैगी के पैकेट परचेज़ किए थे, उसके अलावा ये लिया था क्लीन मैट का, एंड उसके अलावा एक वाइपर परचेज़ किया था, बस और कुछ नहीं है इसमें। एंड यस बिल है ऑब्वियसली। एंड इसके अलावा हमने आदविक के लिए दो बुक्स परचेज़ की थी, वो मैं आपको दिखाती हूँ। एंड ये रही वो दो बुक्स, एक ये कलर्स बुक है जिसमें सब कलर्स दिए गए हैं इस तरह से। एंड ये तो पहले की है, ये हमने परचेज़ अब नहीं की। एंड उसके अलावा एक ये वाली बुक परचेज़ की, काफ़ी अच्छी है, काफ़ी कलरफुल पिक्चर्स है इसमें, सो इसलिए हम लोगों ने ये वाली परचेज़ की। काफ़ी कार्डबोर्ड इसका, ये जो पैटर्न है, ये जो इसका क्या बोलते हैं, मतलब कार्डबोर्ड टाइप में है ये। तो बस ये दो बुक्स परचेज़ की थी। एंड जो ये वाली आपको दिखाई बर्ड्स वाली, ये तो इसके पास पहले की है। एंड जब मैं बोल रही हूँ तो आदविक किस तरह से मुझे देख रहा है, हाय हेलो बोल दो, हेलो। आप वाइपर के साथ क्या करोगे, सफाई करोगे? सफाई करोगे आप हैं? आदू आदविक। तो बस फ्रेंड्स ये था मेरा एक व्लॉग और छोटा सा शॉपिंग हॉल जो कि हम लोगों ने परचेज किया था सामान, वो सब मैंने आपको दिखा दिया। और यहाँ पे आदविक को आ रही है नींद। एंड तो चलिए मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। एंड व्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आया तो व्लॉग को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच।